वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। और आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक स्टूडेंट कनेक्टेड है, तुषार। मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द वेरी 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 फेमस स्टूडेंट। बिल्कुल ऑर्गेनिक में मचाया है इसने, और तुमको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा, इस बच्चे ने 90% से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस में करेक्ट किए हैं। और आज इसके JEE एडवांस के सिलेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 90% से ज्यादा इसने एडवांस में मचाया है, और बहुत बड़ा फैन है इस सब्जेक्ट का, और IIT में सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका तो। और किया भी इसने बहुत बढ़िया, रैंक भी अचीव किया है, 2100 रैंक है। तो मैं सबसे पहले तुषार से जानना चाहता हूँ कि तुषार, कैसे तुमने किया इसको, और तुमने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा इंटरेस्टिंग था, ऐसा क्या दिखा तुम्हें ऑर्गेनिक में कि तुम फैन हो गए इसके? सर मेरा एक्चुअली मार्च में मेरा ऑर्गेनिक वीकेस्ट था सबसे, और फिर जब मैं आपसे पढ़ा तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया धीरे धीरे। फिर मैंने आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, मोस्टली नोट्स देखे, तो मतलब धीरे धीरे हो गया सब कुछ, 5 महीने में सब कुछ कर लिया लेक्चर। तो ये था, धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट आता गया और ऑर्गेनिक तो ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है। जी अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम अभी कौन कौन सा बैच फॉलो कर रहे थे तुषार? सर, ब्रिनांडा फॉलो कर रहा था। उससे पहले मेंस का बैच था, वो कौन सा था, मेंस का एक बैच आया था वो फॉलो कर रहा था पूरा। ओके, इन उससे पहले विजन किया होगा स्ट्राइकर, तुमने फॉलो, हाँ, इनविजन, उससे पहले इज इन स्ट्राइकर्स विजन। बैच भी फॉलो किया, ओके स्ट्राइकर्स ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और तो एक्सपर्ट तुषार के नोट्स। तुषार, तो अब कैसा लग रहा है, तुमने JEE एडवांस तुमने क्रैक कर लिया, अब तुम्हें कैसा, किस तरह की फीलिंग आ रही है? मतलब क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कर लिया? एक जो प्रेशर था, एक जो टेंशन थी, एक कंधे के ऊपर होती है कंपटीशन में। 10 लाख बच्चे एग्जाम दिए, फिर 2 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, फिर 2 लाख में भी तुम 2000 कुछ बच्चों में से हो, तो कैसा तुमको लग रहा है? मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए पहली बार ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि 10th क्लास में भी मेरे बहुत एवरेज मार्क्स थे, 80%, 12th में भी अच्छे नहीं थे, मतलब मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये मेरे लिए लाइफ का पहला अचीवमेंट है, और और पेरेंट्स बहुत भी लाइक बढ़िया। काफी, तो पहली बार मैं ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा तो है, जब लाइक द पेरेंट्स बेस्ट को ऑफ। तुमने बताया JEE एडवांस तुम्हारा क्लियर हो गया इतने अच्छे रैंक के साथ, तो तुम बोल रहे हो कि एवरेज स्टूडेंट थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका उनको 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 कैसा, पहली बार जब सुने तो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? वो वही बहुत खुश थे, मतलब बहुत बोल भी रहे थे कि बचपन से इसके स्कूल में से कंप्लेंट आती थी, आज नहीं करते। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुषार, तुमने बढ़िया किया। अच्छा तुषार, ये बताओ, जब तुमने JEE मेंस दिया था तो कितने परसेंट बने थे, और तब तुमने सोचा था कि एडवांस तक मैं जाऊंगा, इस जर्नी को लेके जाऊंगा और बढ़िया करूंगा एडवांस में? सर, मेंस में मेरी 18,000 रैंक थी, नाइन्टी ओके एट परसेंट आए कुछ सर, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई थी मेंस में, लाइक मतलब हर बार हो ही जाती थी ऐसा। ओके वन एटी मार्क्स आए थे, मतलब मैं 230 का करके आया था, तो बहुत सारे गलत हो गए थे मेरे। फिर ओके फिजिक्स गलत गया था, केमिस्ट्री सर बेस्ट गया था, तो वही फिजिक्स बढ़िया में गड़बड़ हो गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक एवरेज बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जब IIT तक पहुंचता है तो बहुत बढ़िया लगता है। ओके तुषार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद को समझते हैं एवरेज है, जिनके मार्क्स नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है कि तुम एक एग्जाम्पल हो कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे IIT तक पहुंचता है। तो टॉप 3 सजेशंस अगर दो दो लाइन में दे पाओ, अगर अपने जूनियर्स को जो नॉर्मल बच्चे हैं वो किस तरीके से खुद को बूस्ट कर सकते हैं एडवांस के लिए? तो सजेशन, तो एक तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए खुद को, कि मतलब कैपेबिलिटीज कितनी नहीं हो सकती है। लाइक कुछ बच्चों को है कि सिर्फ मेंस ही एडवांस, मेंस ही एम रखते हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से सबको एडवांस का एम रखना चाहिए, और बस ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। लाइक जब मैं 11th क्लास में था, तो हमारी क्लास में सब कहते थे कि IIT में जाएंगे, IIT में जाएंगे, बट आज मैं अकेला ही हूँ अपनी क्लास में जा पाता, तो वो। और तीसरा तो ये मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, बस मेहनत कर। बहुत बढ़िया तुषार, बात करके बहुत मुझे बढ़िया लगा। मैं उम्मीद करता हूँ जीवन में आप बहुत सफल हो और बहुत तरक्की करें और बहुत बढ़िया आप करें। हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप। ओके सर, थैंक यू सर, आप और